गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये शिमला के प्यारे से व्यूज सुबह की, काफी प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ अभी हिप्पा इंस्टीट्यूट में हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो अभी हम जाने की तैयारी में है गाइस। तो यहाँ देखिए, ये है हिप्पा का, ये मशोबरा वाले रोड में फेयर लॉन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग फेयर लॉन। तो यहाँ से नीचे होता है ये हिप्पा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये सड़क गई नीचे को, यहाँ से है ये सारा। तो कभी पहुँच गए तो आपने भटकना जाना, ये रोड जाता है मशोबरा को। तो देखिए आगे, ये यहाँ पे जिला परिषद की ट्रेनिंग भी होती है। तो यहाँ से नीचे है रास्ता, ये रिसेप्शन, डॉक्टर साहब ये रिसेप्शन है हिप्पा का। तो ये इधर, ये गार्डन, काफी अच्छी गार्डन है, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है, जिम की फैसिलिटी है और गार्डन की फैसिलिटी है काफी ज्यादा। ये देखिए काफी अच्छी जगह है। अभी अपने डाइनिंग हॉल की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं भाई साहब। उठाओ कुछ तो। अच्छा देखिए, तो बड़े भाई कैसे कैसा है अनुभव? बहुत अच्छा है, तगड़ा है ना यहाँ पे फंक्शन। लंच ब्रेकफास्ट डिनर काफी जबरदस्त बनाया जा रहा है इधर हिप्पा में। हम तो आनंद ले रहे हैं, संसाधनों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। यहाँ देखो काफ़ी अच्छी मशीन भी लगाई हुई है यहाँ पे, जो कि जूते साफ करती है। ये तो खासकर पॉलिश वाले जूते, बट इससे डस्ट को हटा दिया इस मशीन ने। ये इधर से लगा हुआ है अटैचमेंट, बिजली से अटैच्ड है। और यहाँ पे गर्म पानी, ठंडा पानी, सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे हिप्पा में, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा चमक गए इनके जूते, पंकज भाई गए हम। कमरे की ओर जा रहे हैं अपने। अच्छा 15,000 के जूते चमका दिए इन्होंने तो। अब हम अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। अच्छा और कुछ बोलिए। रूम की चाबी मैंने वैसे भी लॉक नहीं करी हुई थी, रूम को खुला ही रखा। नहीं नहीं मैंने लॉक किया ही था। ये देखिए ये रूम मिला है हमारे को हिप्पा में, काफी अच्छी फैसिलिटेड रूम है, सब कुछ है, अटैच बाथरूम टॉयलेट। तो यहाँ देखिए आप, हिप्पा में ये ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। ये रहा हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल, कैलाश गेस्ट हाउस है यहाँ पे। तो वहाँ हो रही है, तो आपको दिखाता हूँ मैं अंदर किस तरह का है। ये देखिए ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे सारे बैठकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आएंगे
यहाँ पे आएंगे रिसोर्स पर्सन जो आते हैं अपना अनुभव हमारे सामने शेयर करेंगे। तो ये है रेजोल्यूशन पास किया और पर्सनल लेवल पे उसको टेक अप किया, उसमें सात ऐसे वोकेशन सर्टिफिकेट जिसमें फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, रेवेन्यू है और सारे सर, तो सबके एनओसी उसमें लगने, तब जाके दूसरे उनको लीज पे या जैसे भी माफ कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी का पता ही नहीं होगा तो आपको जूल रेट पता नहीं है, तो मारो कि मारो नहीं जीएसटी का ये बेसिक नॉलेज का फायदा है जीएसटी के कि आपको एकदम आप ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर लो कि नहीं हो एक चीज सही नहीं के करा हूं जैसे जीएसटी पे फाइनली कोई ना कोई अमाउंट मारो पे। अभी देखिए अभी हम संजोली संजोली टेंडल, ये वो है डोखांग प्रोलिस बैली रंग है जिगनी गया तो खंबा वाला गाने का ही साहब। ये बड़े भाई पंकज भाई, यहाँ देखिए बड़े भाई, हेलो हाई कीजिए सब्सक्राइबर्स को। अभी आए हैं बड़ी मुश्किल से, तीन चार दिन के बाद फ्री हुआ हूँ तो थोड़ा आगे तक घूम लेते हैं। मैं क्या यहाँ से सब्जियों की सेल भी लगी है। अभी हम इधर आगे जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा विशाल मेगा मार्ट, उस पे जा रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। रात्रि के समय का ये देखिए दृश्य, अभी विशाल मेगा मार्ट से वापस हो गए हम। तो ये है वो संजोली टनल, आगे से गाड़ी आ रही है, हमने गाड़ी आगे पार रखी है। हैं क्या हैं, ये है वो टनल का दृश्य, बहुत बड़ा टनल है ये। बहुत कहाँ से निकलेंगे ये देखिए इसी स्ट्रक्चर ऊपर से, लोग सारे शॉपिंग शॉपिंग करके अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी कुछ यादें साझा करी है, तो फिलहाल इतना ही। कृपया मेरे चैनल को 1K सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरा करवाएं, मैं आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।